कितनी हॉरर स्टोरीज मैंने आपको आज तक बताई हैं आपको एक अंदाजा जरूर होगा अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो अभी जुड़े हैं और जिन्होंने पुरानी वीडियोस भी जाकर देखी हैं। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ एक चीज कॉमन जरूर दिखी होगी उन हॉरर वीडियोस में कि वहाँ क्राइम जरूर होता है, उस क्राइम के पीछे ही हॉरर छिपा होता है। लेकिन आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बात करूंगा वहाँ पहले हॉरर था और फिर बाद में क्राइम बनकर वो सामने आया। यकीन मानिए इस घटना की डिटेल्स इतनी ज्यादा ग्राफिक हैं कि आपको वो गूगल पर भी अगर आप ढूंढने जाएंगे उसके आर्टिकल्स के अंदर आपको वो पूरी तरह से नहीं बताया जाएगा। जी हाँ, बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं आपको एक फैमिली के बारे में कि कैसे वो फैमिली पूरी ही निपट गई, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दो बातें मुझे आपसे करनी है। पहली ये, बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पर कि वो कॉपी कर रहे हैं एक तरीका जिसमें आप मुझे सुनना पसंद करते हैं। सो मेरे पास इंस्टा पर डीएम्स बहुत सारे आए, मेरे पास यूट्यूब पर कमेंट्स बहुत सारे आए, इनफैक्ट मेल्स तक आए मेरे पास। सो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे दो ही चैनल हैं, एक ये जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरा मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैं पॉडकास्ट डालता हूं ऐसी ही स्टोरीज बिना फेस के सिर्फ वॉइस के अंदर। सो प्लीज आप वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वो दूसरे चैनल्स पसंद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको जाकर फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। बट इस कंफ्यूजन में मत रहना कि वो मेरे ही हैं, नहीं, वहां आपको मैं नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, पॉडकास्ट पर नई वीडियो आ चुकी है और वहां पर अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। पिछले एक हफ्ते से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था बट अब ठीक है, वहां पर मैंने कल वीडियो डाली है और यहां पर कल भी आएगी। तो प्लीज आप उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपकी वहां वेट करूंगा। अब वीडियो की तरफ, द हिंटरकाइफेक मर्डर्स। आज की कहानी को समझने के लिए हमें सदर्न जर्मनी में बने हुए हिंटरकाइफेक फार्म की तरफ जाना पड़ेगा और यहां समय आ चुका था सन 1920 के दशक का। और इसी हिंटरकाइफेक नाम के इलाके में छोटे 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 काफी सारे फार्म हाउस बने हुए थे और इन्हीं फार्म हाउस में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। और ऐसा ही एक परिवार था ग्रूबर फैमिली। जी हाँ, आपके सामने जो भी आप घर देख रहे हैं इसी घर के अंदर ग्रूबर फैमिली रहा करती थी और इस फैमिली के अंदर उनकी एक लिव इन मेड जो कि परमानेंट उनके साथ ही रहती थी और इसके अलावा इस ग्रूबर फैमिली के खुद के सदस्य मौजूद थे। इस परिवार में घर का मुखिया एंड्रियास, उसकी पत्नी एजिलिया, इनकी बेटी विक्टोरिया और यहाँ विक्टोरिया के भी दो बच्चे हो चुके थे जिनका नाम जोसेफ और एजिलिया ही था। तो अगर हम यहाँ देखें तो पांच इस परिवार के लोग और एक वो लिव इन मेड, टोटल यहाँ छह लोग इस घर के अंदर मौजूद थे और आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। इनका मुख्य काम धंधा था आसपास में खेती बाड़ी करना, इनका अच्छा फार्म था, इनके घर के बगल में आइड साइड इनके खेत वगैरह मौजूद थे, इनके खुद के जानवर इनके पास बंधे हुए थे और इनसे वो अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन दिक्कत आनी स्टार्ट हुई सन 1921 की सर्दियों से। जी हाँ, ये परिवार तो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन ये घर जो था वो अब एक हॉन्टेड हाउस बनने वाला था। तो इस घर के अंदर क्या चल रहा था उसको समझने से पहले आपको इस घर को ही समझना पड़ेगा। तो ये घर यहाँ पर कोई अकेली प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके साइड में ही इनका शेक भी बना हुआ था और उसके बराबर में ही इनका बान हाउस भी बना हुआ था। बान हाउस आपको पता ही होगा, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में तूड़ी वाला हम जिसको बोलते हैं, जो कमरा अलग से होता है जिसके अंदर हम तूड़ी वगैरह भरकर रखते हैं, जो भी फालतू के मटेरियल्स कुछ भी हो घर के, एक स्टोर रूम टाइप जिसके अंदर हम जानवरों का भी सामान रखते हैं, उनके खाने पीने की चीजें रखते हैं, तो वहां पर उसको बान हाउस बोला जाता है। तो उन्होंने यहां एक बान हाउस अलग से अपना बनवा रखा था। तो अब यहां ये परिवार जो कि सारा दिन खेती बाड़ी का ही काम किया करता था, इनका मुख्य काम ही यही था, इनके पास जानवर थे, उनसे दूध वगैरह निकालते थे, तो मोस्टली टाइम ये घर से अपने बाहर ही रहते थे, कभी खेतों में चले गए, कभी बान हाउस में चले गए, कभी जानवरों के पास चले गए। तो ये इनका मुख्य काम था। घर में लोग लगभग शाम को या फिर रात को ही इकट्ठा हुआ करते थे। अब घर के अंदर परमानेंट रहने वाला सदस्य सिर्फ एक ही था और वो थी इस घर की नौकरानी, जो कि 24 घंटे इस घर में रहा करती थी। उसको यहाँ साफ सफाई करनी थी, उसको ही यहाँ घर का ध्यान रखना था। तो सबसे पहले इस घर के अंदर होने वाली अजीब चीजें उस नौकरानी को ही महसूस हुई। जी हाँ, उसने नोटिस किया कि जैसे ही सब घर से यहाँ चले जाते हैं सुबह सुबह अपने काम धंधे पर, तब यहाँ इस घर की दीवारों में से आवाजें आती हैं टैप 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 की। मैं आपको बता दूं कि वो आवाजें घर की दीवारों से आ रही थी,
ना कि घर में किसी कमरे से। उसने बहुत कान लगा लगा कर सुनने की भी कोशिश करी उस मेड ने, बट उसको दिखा ही नहीं। वो जहाँ जहाँ भी आवाज़ आ रही थी वो तुरंत वहाँ जाकर देखती, क्या पता कोई उसको वहाँ दिख जाता, लेकिन उसको वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो अपने कानों को दीवारों पर लगा कर सुनती और लिटरली वो जो आवाज़ें थी वो दीवारों से आ रही थी टैप टैप की। 3-4 दिन यहाँ हो चुके थे, वो जो मेड यहाँ काम कर रही थी जैसे ही वो काम करना स्टार्ट करती उसको वहाँ ठक 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 की आवाज़ सुनाई देती। अब इस आवाज़ से वो पहले ही परेशान थी और अब 3-4 दिनों बाद उसे आवाज़ें आने लगी थी आपस में लोगों की बातें करने की। जबकि सारे घर में जितने भी मेंबर्स थे वो सुबह सुबह निकलकर अपने काम धंधे पर चले जाया करते थे, घर में सिर्फ अकेली वो मेड ही थी, इसके अलावा कोई उससे बात करने वाला नहीं था, तो ये आवाज़ें उसको कहाँ से आ रही थी। और ये आवाज़ें अब की बार ना सिर्फ दीवारों से बल्कि घर के ऊपर बनी एटिक से आ रही थी। एटिक आपको पता ही होगा कि बाहर के देशों में वो झोपड़ी टाइप के घर होते हैं, आपने देखा ही होगा। हमारे यहाँ तो क्या है कि नॉर्मल सीधा बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहाँ झोपड़ी टाइप के घर होते हैं और सारे के सारे घर लकड़ियों से बने होते हैं, वुडन होते हैं। तो यहाँ ये झोपड़ी में जो ऊपरी वाला है चोंच वाला हिस्सा है इसके नीचे एक छत लगा दी जाती है और ऊपर जो स्पेस बचता है उसे एटिक बोलते हैं। तो यहाँ ना सिर्फ वो लोगों की आवाज आपस में बात करने की उन दीवारों से आ रही थी बल्कि उस घर की एटिक से भी आने लगी थी। अब उस मेड ने जैसे ही एटिक की तरफ देखा उसे लगा कि शायद हो सकता है कोई इनके घर में ऊपर एटिक में घुस गया हो और वहां छुप कर बैठा हो। ये मेड बहुत ज्यादा डर गई, वो घर से बाहर निकली, खेत में एंड्रियाज के पास गई, एंड्रियाज को जाकर बताया कि देखिए मैं 4-5 दिनों से नोटिस कर रही हूँ घर में आवाजें आ रही है और आज तो हद हो गई, आज तो लोगों की आवाजें आ रही हैं, कोई है जरूर जो तुम्हारे घर की एटिक में छिपकर बैठा हुआ है। एंड्रिया तुरंत अपनी उस मेड के साथ भागकर घर में आया और सीधा उसने सीढ़ी लगाकर ऊपर एटिक में चढ़ने की कोशिश करी। एटिक में वो चढ़ा, उसको एटिक में कुछ दिखाई नहीं दिया, लिटरली ऊपर एक सामान तक नहीं पड़ा था जिसके पीछे छुपकर कोई व्यक्ति वहां रह सकता हो। लिटरली पूरी एटिक यहां खाली थी। एंड्रियाज ने देखा पूरी एटिक खाली है, वो एक बार एटिक को देख रहा है, वो एक बार मेड को देख रहा है कि क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है ये, मेरे को इतनी दूर से काम छोड़ के बुला के लेकर आई है कि कोई एटिक में छुपा हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं है, इनफैक्ट कोई सामान तक नहीं है। वो वापस नीचे उतरा, मेड को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, मुझे आवाजें नहीं आ रही, तुम्हें कैसे आ रही हैं। दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे। अब ये जो मेड थी यहाँ पर इस घर के अंदर परमानेंट रहा करती थी, इसका सोना खाना पीना सब कुछ इस घर के अंदर ही था। तो रात को जैसे ही वो अपना काम वगैरह खत्म करके सोने के लिए जाती तो उसको हमेशा वो घर में ऊपर एटिक ही दिखाई दे रही थी। अब उस एटिक को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती, उसका डरना जायज भी था क्योंकि उसको सच में यहाँ पर आवाजें आ रही थी। वो सुबह उठती सीधा जाकर एंड्रियाज को बताती कि ऐसे ऐसे यहाँ आवाजें आ रही हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। एंड्रियाज भी कहता मैं किसको जाकर पकड़ूं, दीवारों को तोड़ दूं, जब तुम कह रही हो दीवारों के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, मैंने सब कुछ जाकर चेक कर लिया है, ठोक पीट बजा कर देख लिया है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि घर के अंदर कोई नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही, ये तुम्हारा जस्ट वहम होगा। 2-3 दिन और बीत गए, अब तक वो जो मेड थी यहाँ पर रहते हुए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगी थी। वो यहाँ बहुत लंबे टाइम से इस परिवार के साथ रह रही थी, इनके लिए काम कर रही थी, लेकिन उससे अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं हुआ। एक सुबह वो उठी, उसने इस ग्रुबर फैमिली के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो मुझे पता है मैं पागल लगती हूँ तुमको, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताती हूँ कि यहाँ कोई है जो इस घर के अंदर मौजूद है, ये घर हॉन्टेड हो चुका है और आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मुझसे तो और कुछ नहीं हो रहा, मैं रात को जब भी सोती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है ऊपर छत से, इसलिए मैं इस घर के अंदर और ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मेरा हो चुका है, मुझे छुट्टी दे दो। अब ग्रुबर फैमिली भी क्या कर सकती थी, अगली को जाना है तो जाए वरना रोक उसको कोई नहीं सकता था। ग्रुबर फैमिली ने यहाँ उस मेड का हिसाब कर दिया। अब यहाँ उन्होंने खुशी खुशी उस मेड को तो भेज दिया था, लेकिन उसकी वैल्यू जो थी वो इसके जाने के बाद ही यहाँ इस परिवार को समझ आ रही थी, क्योंकि अभी इस परिवार के अंदर जो 5-6 मेंबर्स थे उन सभी के ऊपर अब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ चुका था। ना सिर्फ वो खेतीबाड़ी और जानवरों का काम देख रहे थे बल्कि यहाँ अब उनको घर की साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ देखना था। सभी के सभी व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ चुका था और आने वाले 6 महीनों तक उनको कोई और नई मेड मिली ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इन 6 महीनों में इस परिवार के साथ क्या क्या हुआ। तो यहाँ सबसे पहले उसी एंड्रियाज को, जिसको यहाँ मेड ने बताया था कि यहाँ कुछ है घर के अंदर और अब तक एंड्रियाज नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, अब उसको ही सबसे पहले घर में से आवाज़ें आती हुई सुनाई देने लगी। वो जैसे ही रात को सोने के लिए जाता अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी तो यहाँ सो जाती लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पीछे, सर के पीछे जो दीवार थी उसमें से यहाँ उसको ठक 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 की आवाज़ें आ रही थी।
दो तीन दिन वो आवाज़ें सुनने के बाद अब वही सेम आवाज़ें लोगों की बातें करने की, चीखने चिल्लाने की और फुटस्टेप्स की आवाज़ें ऊपर यहाँ एटिक से आ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर एंड्रियास बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसको रातों को नींद नहीं आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उस रात को कोई उसको देख रहा है सोते टाइम। कई दिनों तक टॉलरेट करने के बाद उसने पूरे परिवार को एक बार इकट्ठा किया और सबके सामने चीज़ रखी कि देखो ऐसे ऐसे मुझे यहाँ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब जैसे ये बातें उन परिवार वालों ने सुनी तो वो भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार थे। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ तुमको बल्कि हम सभी को यहाँ ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं और हम खुद इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी तक जहां ये डराने का काम सिर्फ आवाजों से ही चल रहा था, अब ये चीज बहुत ज्यादा हाइपर होने वाली थी और सबसे पहले यहां पर काम स्टार्ट हुआ चीजें गायब करने का। जी हाँ, घर के अंदर से चीज़ें अपने आप गायब हो रही थी और सबसे नोटेबल जो चीज़ थी जो गायब हुई थी वो था इस पूरे फार्म की चाबियों का सेट। इस पूरे फार्म की चाबियों का एक ही सेट था और उनका यहाँ फिक्स था। रोज़ वो उस चाबियों के सेट को उठाते थे, अपना काम धंधा करके लेकर आते, रात को यहाँ आकर उसको खूंटी पर टांगते और सुबह वापस वहाँ से उतार कर लेकर जाते। एंड्रियास का ये काम था। एंड्रियास ने उस दिन भी यहाँ शाम को आकर वो खूंटी पर टांगा वो चाबियों का सेट, लेकिन सुबह वो चाबियों का सेट उसे वहाँ नहीं मिला। वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब चाबियों का सेट वहाँ से गायब हुआ है तो वो सभी के माइंड में जरूर आएगा, क्योंकि यही चीज़ थी जो डेली यूज़ में उनके काम आ रही थी। अब इस चीज़ से परिवार और ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब यहाँ वो अपने धीरे धीरे दिन काट ही रहे थे। और एक रात तब ऐसी आई जब पूरा परिवार यहाँ सोने के लिए गया और जब सुबह उठा तो यहाँ विक्टोरिया के जो दो बच्चे थे एजिलिया और जोसेफ, उसमें से एजिलिया पूरे परिवार को गायब मिली। जी हाँ, सुबह उठने पर एजिलिया अपनी जगह पर नहीं थी। तुरंत यहाँ पर परिवार में हाहाकार मच गया, लोग आस पड़ोस में घूम रहे थे, एजिलिया को ढूंढ रहे थे, इधर उधर आवाजें लगाते हुए एजिलिया की तरफ जा रहे थे, एजिलिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो पुलिस के पास गए, पुलिस वाले भी अब इनके साथ जुड़ चुके थे, एजिलिया को ढूंढ रहे थे, उसके फुटस्टेप्स को यहाँ ट्रेस कर रहे थे, लेकिन एजिलिया कहीं भी नहीं मिली। तो सभी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ वो उसे जंगल की तरफ जाकर ढूंढे, तो वो सीधा यहाँ सारे के सारे घर के पीछे मौजूद जंगल की तरफ चले गए। और वहाँ कमाल की बात यह थी कि एजिलिया आराम से अपने पालने के अंदर सो रही थी। ये पालना यहाँ एजिलिया को उठाकर क्या खुद आया, या फिर एजिलिया इस पालने को उठाकर यहाँ तक पहुँची, या फिर इन दोनों को ही कोई तीसरा व्यक्ति उठाकर यहाँ तक लेकर आया था, या फिर ये दोनों ही अपने आप उड़कर यहाँ तक पहुँच चुके थे, इस चीज़ का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आप मुझे बताइए कि एजिलिया उस जंगल तक कैसे पहुंची उस रात, और पूरी रात वो जंगल के अंदर कैसे बिताई होगी उसने। खैर, यहाँ पर एजिलिया जब उनको जंगल के अंदर दिखी, सभी एजिलिया के पास गए, उसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। एजिलिया छोटी थी लेकिन वो फिर भी बोल सकती थी। उसने बताया कि वो तो रात को सोई हुई थी, अब उठी हूँ तो आपने ही मुझे आकर उठाया है और मैं यहाँ जंगल के अंदर हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची, कब पहुंची और कौन मुझे लेकर आया। खैर, ये पूरा परिवार अब एजिलिया को लेकर वापस अपने घर आ ही चुका था। घर के बीच में यहाँ उनका डाइनिंग एरिया बना हुआ था, वहाँ जो टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर बैठकर अब सभी बातें करने वाले थे कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, एजिलिया वहाँ तक कैसे पहुँची। सभी इस बात को लेकर शौक में थे और तभी उनको एक और झटका लगा। वो जो डाइनिंग एरिया में जो टेबल थी उस टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं थी, अखबार आना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो अखबार किसी और ही भाषा में मौजूद था और ये भाषा ना ही उनको पढ़नी आती थी, ना ही आसपास के पूरे इलाके में वो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता था। लेकिन यहाँ एंड्रियास को वो सबसे पहले न्यूज़पेपर दिखा, उसने जाकर तुरंत यहाँ उठाया और उसे पढ़ने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सीधा वो जाकर पूरे परिवार से पूछने लगा कि न्यूज़पेपर यहाँ किसने मंगवाया है। सभी ने मना कर दिया, किसी के काम का ही नहीं था, जब पढ़ना ही नहीं आता वो तो वो कोई क्यों ही मंगवाएगा। वो बाहर गया, आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे घर पर ये न्यूज़पेपर मुझे मिला है, ना ही मैंने मंगवाया, ना ही परिवार ने मंगवाया, तो आखिर ये किसने मंगवाया होगा। सभी ने भी मना कर दिया। खैर, यहाँ उस चीज़ से परेशान होकर वापस एंड्रियास उस न्यूज़पेपर को लेके अपने घर आ गया और आराम से बैठकर सोचने लगा। कुछ दिन और बीत गए ये आवाज़ें सुनते सुनते, और अब यहाँ उनके जो शैक के अंदर एक अलमारी रखी हुई थी जिसके अंदर उनके पूरे फार्म्स के जो टूल्स वगैरह होते हैं वो सारे उस अलमारी के अंदर रखे हुए थे। आपको पता ही होगा कि चाबी पाने वगैरह सब कुछ यहाँ पर उस अलमारी के अंदर रखा गया था। तो यहाँ एक सुबह जैसे ही उठकर ये पूरा परिवार अपने काम धंधे पर गया, एंड्रियास उस शैक के अंदर गया कुछ सामान निकालने के लिए उस अलमारी से, तो जैसे अलमारी पर पहुँचा
उसको वहां उस अलमारी का ताला टूटा हुआ दिखा। हद तो तब हो गई जब उसको ये पता चला कि ये ताला बहुत ज़्यादा मजबूत था। आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने के ताले बहुत हैवी हुआ करते थे, बहुत मजबूत हुआ करते थे। उनको तोड़ने के लिए बहुत हैवी हथौड़ा या फिर बहुत हैवी कोई कटर वगैरह चाहिए था। और साफ देखकर उस ताले को लग रहा था कि ये ताला जरूर किसी हैवी हथौड़े से ही तोड़ा गया है चोट मार मार कर। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि घर के बराबर में ही ये शैक मौजूद है, वहाँ अगर कोई सुई भी गिरती है तो भी यहाँ उसकी आवाज़ उस घर के अंदर सुनाई देगी। कोई व्यक्ति आकर यहाँ ताला तोड़ गया, कैसे यहाँ पर किसी को आवाज़ नहीं आई? क्या सारा ही परिवार नशे के अंदर मौजूद था? परिवार को छोड़ दीजिए एक बार, घर के बाहर दो कुत्ते भी बंधे हुए थे, क्या वो भी यहाँ नशे में सो रहे थे जो उसको यहाँ आवाज़ नहीं दिखाई दी और वो उसको देखकर भौंके नहीं कि कोई व्यक्ति उनके यहाँ इस अलमारी का ताला तोड़ रहा है? और अलमारी से ताला तोड़ने के अलावा उनके अलमारी से कुछ टूल्स तक चोरी हो चुके थे। धीरे 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 कर अब टाइम बीतता जा रहा था। मार्च 1922 का समय आ गया। मार्च के शुरुआती दिन ही चल रहे थे। यहाँ जर्मनी के इस हिस्से के अंदर बहुत भयंकर यहाँ तूफान आ रहे थे, बर्फीले तूफान, और ये टाइम था यहाँ भयंकर ठंड का। मार्च 1922 में भी एक रात यहाँ भयंकर तूफान आया बर्फीला, और उस रात भी यहाँ ये एंड्रियाज और उसका पूरा परिवार यानी कि ग्रुबर फैमिली अपने इस घर के अंदर सोई हुई थी। और जैसे ही एंड्रियाज सुबह उठा, अपने घर के बाहर गया, उसको एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज़ दिखाई दी। जी हाँ, उसने जैसे ही घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर घर का दरवाजा खोला तो उसको यहाँ पैरों के निशान दिखाई दिए, और ये पैरों के निशान सीधा जंगल से आ रहे थे। और दिक्कत यहाँ ये थी कि यहाँ पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, कोई था जो व्यक्ति उस जंगल से रात के टाइम पर यहाँ इस घर तक आया था और वापिस ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर वो वापिस जाता तो भी यहाँ घर के किसी तरफ तो उस पैरों के निशान होने चाहिए थे, क्योंकि रात को ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी है और इसी बर्फ़ के अंदर ये पैरों के निशान अब मिल रहे हैं एंड्रियाज को। तो यहाँ कौन वो व्यक्ति था जो रात के टाइम पर उस तूफान के अंदर जंगल से निकल कर पैरों के निशान छोड़ता हुआ इस घर के अंदर आया, बिल्कुल उसी गेट के ऊपर आकर रुका होगा जिस गेट के ऊपर अब यहाँ एंड्रियाज खड़ा हुआ था और उन पैरों के निशानों को देख रहा था। एंड्रियाज को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही सिचुएशन बन रही थी कि कोई व्यक्ति यहाँ आया है और अभी भी वो घर के अंदर ही है। वो तुरंत घर के अंदर भागा, पूरे फैमिली को यहाँ इकट्ठा किया, उनसे पूछने लगा कि रात को क्या कोई आया था या फिर हमें पता नहीं चल पाया कोई आया होगा और अभी भी वो हमारे घर के अंदर है। पूरा परिवार मिलकर अब उस व्यक्ति को ढूंढने लगा था पूरे घर के अंदर, हर चीज़ यहाँ खंगाल रहे थे। बेड के नीचे तक देखा, बेड को खोल खोल कर देखा, कोई व्यक्ति यहाँ आकर छुपा तो नहीं। एटिक के अंदर भी जाकर देखा, लेकिन पूरा घर फिर से एक बार खाली था। शैक संभाला गया, शैक भी खाली, बांध संभाला गया, बांध भी खाली, सब कुछ खाली था। तो वो व्यक्ति था कौन जो यहाँ आया था और वो वापस गया कैसे? क्या उड़ गया, क्या गायब हो गया, तो आखिर गया कहाँ? खैर, मैं आपको एक चीज यहाँ बताने भूल गया कि अब यहाँ पर इनको एक मेड मिल चुकी थी। मतलब कि अब यहाँ जो फुटप्रिंट जिस दिन उनको यहाँ मिले थे इस परिवार को, उससे सिर्फ दो दिन पहले ही यहाँ एक नई मेड ने इस घर के अंदर ज्वाइन किया था और वो भी इनके साथ यहाँ रह रही थी। उससे भी यहाँ पूछा गया कि ये फुटप्रिंट किसके हो सकते हैं। मेड ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाऊजी मेरे को क्या पता, मैं तो खुद यहाँ नहीं हूँ, आप मुझे बताइए कि सिस्टम क्या है इस घर में। खैर, अब यहाँ इस पूरे परिवार ने अपने घर का अच्छे से स्कैन कर लिया था और उनको वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन टेंशन फिर भी अभी सभी को थी यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ आने के फुटप्रिंट से, मतलब जो भी था वो व्यक्ति अभी भी यहीं पर मौजूद है और घर के अंदर ही है। इसी बात से परेशान होकर एंड्रियाज और उसके परिवार ने सोचा कि क्यों ना हम इन फुटप्रिंट्स के पीछे जाएं, हम देखें कि आखिर ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सभी परिवार वाले मिलकर उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उनकी उल्टी डायरेक्शन में जाने लगे, यानी कि जिस तरफ वो जंगल से आए थे। तुरंत वहाँ वो जंगल के किनारे पर पहुँच चुके थे, घने पेड़ यहाँ स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन ये फुटप्रिंट्स अब रुक ही नहीं रहे थे। थोड़ी और आगे जाने पर ये फुटप्रिंट्स रुके, और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो फुटप्रिंट्स एकदम से ही बीच बर्फ में से गायब हो गए। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ जंगल है, जंगल के अंदर बर्फ पड़ी हुई है और उस बर्फ के अंदर अचानक से ही दो पैरों के निशान यहाँ आगे पीछे आ गए? उसके आइट साइड यहाँ कहीं से कोई निशानी नहीं थे, तो क्या वो व्यक्ति एकदम से यहाँ प्रकट होकर ग्रुबर फैमिली वाले घर की तरफ एकदम से बढ़ने लगा था और वो वहां जाकर एकदम से गायब हो गया? ऑब्वियसली नहीं हो सकता ऐसा, ये चीज हम मानेंगे ही नहीं। लेकिन आपको मानना पड़ेगा जब आप इस वीडियो के अंत को
अच्छे से महसूस करेंगे। खैर यहाँ जंगल से भी ये परिवार पूरा वापस लौट आया और इन्होंने एक बार और अंतिम बार अपने घर का पूरा चक्कर लगाया, पूरे घर को अच्छे से फिर से स्कैन किया, उनको कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ पर जाकर अब सोने की तैयारी में थे। लेकिन एंड्रियास को नींद नहीं आ रही थी, उसको लग रहा था कि उसको ये बातें सारी जो जो परिवार में हो रही हैं वो जाकर किसी को बतानी चाहिए, किसी से इसका सोल्यूशन मांगना चाहिए। अब एकदम से वो किसी और के पास तो कहीं जाने वाला था, पड़ोसी ही हमेशा इस टाइम पर काम आता है, तो वो अपने पड़ोसी के पास गया। अब उनके पड़ोसी जो था वो भी उनसे काफ़ी दूर था, मतलब कि वहाँ जो घर थे वो काफ़ी दूर दूर बने हुए थे, तो वो अपने घर से बाहर निकला, तुरंत यहाँ अपने सबसे पास के पड़ोसी लॉरेंस स्लेटन बार्स के पास गया। वो जाकर सीधा लॉरेंस के पास बैठा और बहुत परेशान लग रहा था। तो लॉरेंस ने उससे पूछा कि बताओ यहाँ क्या हो गया एंड्रियास। तो एंड्रियास ने बताना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे उसके घर के अंदर बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, पिछले लंबे टाइम से वो इस चीज़ों से परेशान हो चुका है, पूरा फैमिली उनकी यहाँ परेशान है और आज तो हद हो गई, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है, ज़रूर आया है रात के टाइम पर, और उसके पैरों के निशान अंदर घर तक आने के मौजूद हैं, लेकिन वो व्यक्ति बाहर नहीं गया और हमें वो व्यक्ति घर के अंदर मिल नहीं रहा। तो यहाँ लॉरेंस भी अब क्या ही कर सकता था, वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वो कोई क्राइम डिटेक्टर नहीं था, वो सिर्फ यहाँ एंड्रियास को सांत्वना दे सकता था, उसको साथ सिंपथी दिखा सकता था कि कोई बात नहीं है एंड्रियास, तुम शांत रहो। उसने यहाँ अपना एक ऑफर दिया, उसने कहा कि देखो मेरे पास एक्स्ट्रा राइफल्स पड़ी हैं, अगर तुम चाहो तो तुमको मैं मेरा सामान यानी कि राइफल दे सकता हूँ और उससे तुमको थोड़ा सेफ फील लगेगा, अगर कोई तुम्हें दिक्कत हुई तो तुम उन राइफल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड्रियास को ये चीज़ सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं लेना चाहूँगा कोई राइफल वगैरह, सामान तो मेरे पास भी है, घर पर टंगा हुआ है, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे इन चीज़ों का यूज़ करना पड़े, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस तुमको बताने आया था कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और हम घर के अंदर खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे। 31 मार्च 2022 का दिन आ गया और वो नई नई मेड जो थी यहाँ पर आई ही थी और बदकिस्मती से इस पूरे फैमिली के लिए ये दिन प्रलय बनकर आने वाला था। जी हाँ, दिन की शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1922 की और सभी के सभी लोग यहाँ अपने अपने काम धंधे के लिए अपने घर से बाहर निकले और कोई था यहाँ पर जो घर के बराबर में ही बने बांध के अंदर बैठा हुआ था। बांध मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, तो यहाँ वो व्यक्ति उस बांध के अंदर छुप कर बैठा हुआ था और अपने आप ही यहाँ, जहाँ कोई यहाँ पर काम नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ अपने आप इस ग्रुबर फैमिली के मेंबर्स एक एक कर उस बान हाउस के अंदर जा रहे थे और जो व्यक्ति अंदर यहाँ छुप कर बैठा था वो व्यक्ति उनके ऊपर एक एक कर, उनके सिर के ऊपर एक एक कर हमला कर रहा था कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी तो क्या ही कहे, उसे असल में मैटक कहते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी जैसा ही होता है लेकिन उसका आगे का जो ब्लेड होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ वो चीज़ जो भी अंदर बैठी थी वो यहाँ हमला कर रही थी एक एक कर अब इस परिवार के ऊपर। तो यहाँ जो भी व्यक्ति बान हाउस के अंदर आता जा रहा था एक एक करके वो अंदर आते ही लाश बनता जा रहा था। जैसे ही अंदर आया, सिर के ऊपर हमला किया, हमला करने के बाद उसकी जान ली, उसको वहाँ से उठाया जाता, बान हाउस के कोने में रखा जाता, कोने में रख के उसके ऊपर थोड़ी सी घास डाल दी जाती, दूसरा व्यक्ति आता उसके सिर के ऊपर हमला किया जाता, उसकी लाश बनाई जाती, उसको उठाकर वहाँ से वहीं कोने में उस लाश के ऊपर रख दिया जा रहा था और उसके ऊपर फिर से घास डाली जा रही थी। आप सोच कर देखिए, यहाँ लाशों का पिलर बनना स्टार्ट हो चुका था। आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि कैसे यहाँ एक एक कर व्यक्ति उस बान हाउस के अंदर खींचे चले जा रहे थे, ऐसा उनको क्या काम था, वो आवाज़ देकर भी एक दूसरे को जा सकते थे, एक दूसरे को पहले ढूंढ सकते थे अगर कोई व्यक्ति यहाँ गुम हो गया है। ऐसा नहीं था कि यहाँ वो सारे एक साथ ही चले गए थे और एक साथ ही निपट गए, या फिर ऐसा भी नहीं था कि वो 5-7 मिनट के अंतराल में निपटे हों, काफ़ी देर बाद यहाँ पर वो लोग गए थे, क्योंकि जब बाद में लाशें मिली थी, इनका पोस्टमार्टम किया गया था, तो इनकी लाशों में मरने के टाइम पर डिफरेंस था। ऑब्वियसली यहाँ पर अंदर जो भी व्यक्ति मौजूद था वो वेट कर रहा था एक एक कर अपने आप लोगों के इस बान हाउस के अंदर आने का। 4 लोगों की लाश अब इस बान हाउस के अंदर लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी घर के अंदर 2 व्यक्ति बचे हुए थे, उन 2 का भी यहाँ इस बान हाउस के अंदर आने का इंतजार किया गया, लेकिन वो दोनों नहीं आए। तो अब वो जो किलर था वो क्या करता, वो बान हाउस से निकला, सीधा उस घर के अंदर गया, 2 अंदर जो मौजूद थे उनके ऊपर भी मैटक से हमला किया गया, उनके भी सिर को फाड़ा गया और जस्ट उनकी भी जान ले ली गई। 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की जान यानी कि एक पूरा परिवार ही निपटाया जा चुका था, इंक्लूडिंग वो नई मेड जिसने अभी हाल ही में इस परिवार के साथ ज्वाइन किया था। तकरीबन 4 दिनों का समय बीत गया। अब आप सोच कर देखिए, 4 अप्रैल 1922 का दिन आ चुका था और पड़ोसियों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ कोई शक ही नहीं हुआ कि आखिर ग्रुबर फैमिली है कहाँ पर।
4 अप्रैल 1922 के दिन सुबह सुबह एक रिपेयरमैन इस घर पर आने वाला था मिलने के लिए इस फैमिली से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड्रियास ग्रूबर ने एक शिकायत करी थी उस कंपनी से, जिससे उसने यहाँ अपने बान में मौजूद जो भी पशु उसने पाले हुए थे उनके लिए फीडर बनाता था। आपको पता ही होगा कि जो जानवरों के देने के लिए चारा बनाया जाता है उसको ही चारे को मिलाकर उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलाकर फीडिंग मशीन एक अलग टाइप का चारा बनाती है। तो यहाँ एंड्रियास की वो मशीन खराब हो चुकी थी और उसने यहाँ पर कंप्लेंट उस कंपनी में दायर कर दी थी कि आपका रिपेयरमैन जो भी है उसको भेजो और उस मशीन को ठीक करवाओ। तो यहाँ उस कंपनी ने 4 अप्रैल का दिन ग्रूबर को दिया था कि हमारा सर्विसमैन जो भी है वो 4 अप्रैल 1922 के दिन सुबह सुबह तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। 4 अप्रैल 1922 के दिन वो रिपेयरमैन इस घर पर पहुंचा और उसको यहाँ ग्रूबर फैमिली का दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वो फीडिंग मशीन थी वो घर के बाहर ही रखी हुई थी, मतलब कि ऑन रोड नहीं, रोड से थोड़ा सा अंदर और घर के बाहर बीच में रखी हुई थी और उस तक पहुंचने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। ऑब्वियसली यहाँ उस रिपेयरमैन को वो मशीन मिल चुकी थी, वो उस मशीन के ऊपर अपना काम करने लग गया, लेकिन उसको कुछ चीज़ समझनी थी कि इस मशीन के अंदर आखिर वो किस टाइप का चारा वगैरह, वो जो उनकी अंदर की बातें थी वो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, बस उसको पूछना था इस मशीन से रिलेटेड कुछ बात। तो यहाँ वो सीधा इस घर के मेन दरवाजे पर गया। मेन दरवाजे पर जाने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई खोलने के लिए नहीं आया। वो भी परेशान कि अंदर कोई है या नहीं, लाइटें तो जल रही हैं, ऊपर चिमनी से भी धुआं निकल रहा है, ऑब्वियसली घर के अंदर कोई तो होगा लेकिन कोई आ नहीं रहा। वो वापस अपनी मशीन पर आ गया, उसने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स थी मशीन की उसके हिसाब से वो मशीन ठीक करी और जस्ट फिर से एक बार अब उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बताना चाह रहा था कि मेरा काम हो चुका है, अब आप आकर मशीन चला कर देख लो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे को छुट्टी मिल जाए। वो वापस यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था लेकिन कोई नहीं आया। पर उसने यहाँ अब की बार एक चीज़ नोटिस करी कि साइड में ही 2 डॉग्स बंधे हुए थे। जब वो आया था तो उस मशीन के पास में ही 2 डॉग्स बंधे हुए थे, लेकिन अब जब वो दोबारा जाकर वो दरवाज़ा खटखटाकर वापस इस मशीन के पास आया है, वो दोनों डॉग्स अंदर बंधे हुए हैं। मतलब कोई था यहाँ पर जिसने अभी अभी इन दोनों डॉग्स को अंदर ले जाकर बांध दिया। पर क्यों और किसने, ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। उसको भी यहाँ परेशानी हुई, वो जाकर साइड में वाले जो दरवाजे थे उनके ऊपर खटखटाने लगा। उसको लगा कि शायद हो सकता है ये वाली जो खटखटाहट है अंदर मौजूद लोगों को सुनना रही हो, तो वो जाकर घर के साइड वाले दरवाजे खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से अभी भी कोई नहीं आया। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन घर के अंदर लाइट जल रही थी। अब वो रिपेयरमैन और ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो लेट हो रहा था, उसको वापस अपने काम पर जाना था, तो उसको यहाँ ये चीज़ दिखानी थी कि वो यहाँ पर आया है। तो वो सीधा उस ग्रूबर फैमिली वाले घर से बाहर निकला, सीधा आगे की तरफ गया, लॉरेंस के घर गया, लॉरेंस के जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लॉरेंस बाहर आया, लॉरेंस से बातें करने लगा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ ग्रूबर फैमिली के घर पर वो फीडर मशीन ठीक करने के लिए आया था, मैंने मशीन ठीक कर दी है, मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ उनका लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आ रहा, शायद हो सकता है अंदर सो रहे हों या फिर वो लोग कहीं गए हुए हों, तो बस मैं यहाँ इसलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि मैंने वो मशीन ठीक कर दी है। अगर आपको वो एंड्रियास ग्रूबर कहीं भी दिखे या फिर उसके परिवार में कोई भी दिखे तो आप उनको बता देना कि वो सर्विसमैन आया था और वो मशीन रिपेयर करके चला गया है। उसने यहाँ बात भी बताई वो डॉग्स वाले कि जब मैं यहाँ आया था तब वो डॉग्स बाहर बंधे हुए थे, अब वो अंदर बंधे हुए हैं, मतलब कोई तो है उस घर के अंदर, सो आप प्लीज़ जो भी हो उसको बता देना। लॉरेंस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ उस घर की तरफ ही चलता हूँ, तुम आगे तरफ निकल जाना, मुझे यहाँ ग्रूबर से कुछ काम है। वो कहा ठीक है, दोनों यहाँ तक साथ तक आए। वो सर्विसमैन जो था वो वहाँ से सीधा अपने काम की तरफ निकल गया, लॉरेंस जो था वो ग्रूबर फैमिली के घर की तरफ मुड़ गया। उसने भी देखा कि घर के अंदर लाइटें जल रही हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, तो वो सीधा साइड में ही मौजूद वो बान हाउस जो था उनका, बान हाउस का दरवाजा देखा कि खुला हुआ है, तो उसे लगा कि यहाँ सारे लोग बान हाउस में हो सकते हैं। वो सीधा यहाँ बान हाउस में घुसा, लेकिन अंदर घुसते ही उसको थोड़ी अजीब सी स्मेल आने लगी। अंदर ऐसी स्मेल उसने पहले कभी नोटिस नहीं करी थी अपनी ज़िंदगी में। तो वो स्मेल का पीछा करते हुए उस कोने तक जा पहुँचा जहाँ पर वो लाशों का पिलर बना हुआ था। थोड़ी सी घास जैसे ही उसने हटाकर देखी, 4 लाशें उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई थी और वो भी उनकी जिन लोगों को वो सारी उम्र देखता आया था। इन लाशों को देखते ही लॉरेंस बहुत ज़्यादा डर गया, वो वहाँ से निकलकर सीधा घर की तरफ गया। घर में जो उसके बैक साइड वाला दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, वो दरवाजे से अंदर गया और अंदर जाकर देखा उसने कि अभी अभी किसी ने यहाँ पर बैठकर खाना खाया है। जो चिमनी थी वहाँ की, आपको पता ही होगा कि बाहर के देशों में लोग वो फर्नेस से जला कर रखते हैं जिसके पास वो सारा दिन हाथ सेंकते रहते हैं, ठंड बहुत लगती है उनको वहाँ पर, तो वो जो चिमनी थी उसके अंदर आग अभी भी जल रही थी। कोई था जिसने अभी अभी किचन से खाना डालकर यहाँ डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाया था,
लेकिन कौन था। उसने सभी कमरों में जाकर देखा तो उसे वहाँ भी दो लाशें और मिल गई। टोटल 6 लाशें उसे यहाँ मिल चुकी थी। वो तुरंत बाहर निकला, पुलिस के पास भागता हुआ गया, पुलिस को अपने साथ लेकर आया और अब यहाँ पर इस क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। जब यहाँ पुलिस इस पूरे कांड की जाँच कर रही थी तो उनको पता चला कि यहाँ जिस भी व्यक्ति ने कांड किया है, मतलब कि वो कांड करने के बाद यहाँ से भागा नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पुलिस को पता चल चुका था कि इन लोगों को मरे हुए 3-4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, मतलब कि 31 के आसपास उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि 31 के आसपास यहाँ ये लोग मरे होंगे। लेकिन जिसने भी इनको मारा था वो यहाँ से भागने की बजाय इस घर के अंदर ही आराम से रहने लगा। पूरे 4 दिनों तक उस व्यक्ति ने इस घर के अंदर अपनी रातें गुजारी, ग्रूबर फैमिली के बेड पर सोया, उनका ही खाना खाया, उनके ही डॉग्स के साथ खेला, कभी उनको अंदर बांध देता कभी बाहर बांध देता। और हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों को ये पता चला कि वो जो बाहर उनके पशु वगैरह बंधे हुए थे, जितने भी गायें वगैरह थी उनकी, उन सभी गायों का दूध भी निकला हुआ था। टाइम टू टाइम यहाँ परफेक्ट टाइमिंग से दूध उनका निकला हुआ था और वो सारा दूध अब अंदर किचन में रखा हुआ था। पर किसने किया ये सब, किसी ने देखा क्यों नहीं? आस पड़ोस में लोग ऑब्वियसली यहाँ गुजरते तो रहते ही हैं, पर कैसे हो सकता है ये कि कोई देखे ना। घर के अंदर फर्नेस अभी भी जल रही थी लेकिन कोई उसके ऊपर हाथ सीखने वाला था जो कि अब भाग चुका था। आस पड़ोस के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें तो लगा ही नहीं कि ग्रूबर फैमिली के साथ ये हो चुका है 4 दिनों से, क्योंकि हमें तो ये घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सभी अंदर मौजूद हैं। घर के बाहर जो ऊपर जो चिमनी थी उससे धुआं निकल रहा था। ऑब्वियसली धुआं तभी निकलता है जब कोई अंदर मौजूद व्यक्ति आग जलाता हो। इसके अलावा सभी जो गायें वगैरह थी, अगर वो भूखी होती तो वो भी शोर मचाती, डॉग्स भी शोर मचाते, लेकिन लिटरली किसी ने कुछ नहीं किया। गायों को खाना मिल रहा था, डॉग्स को खाना मिल रहा था, डॉग्स के साथ कोई था जो खेल रहा था, अंदर आग जल रही थी, खाना पक रहा था, सब कुछ एक ऑनर की तरह, एक मालिक की तरह इस फार्म को चलाया जा रहा था, और वो भी पूरे 4 दिनों तक। तो पुलिस को यहाँ लगा कि हो सकता है ये जरूर चोरी चकारी का कांड होगा, वो जो व्यक्ति जो था यहाँ चोरी करने आया होगा और चीज़ें यहाँ से उठाकर ले गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस घर की जाँच करी, अच्छे से छाना, तो उनको यहाँ पर बहुत सारा कैश मिला जो कि ऑब्वियसली ग्रूबर फैमिली का था और उन्होंने यहाँ अपनी अलमारी में रखा हुआ था। और वो अलमारी ज़्यादा कुछ लॉक भी नहीं थी, उसको 2 हैंडल खोले और वो अलमारी खुल जाया करती थी, और उस अलमारी में सारा कैश पड़ा हुआ था। और जब पुलिस को ये कैश दिखा तो वो समझ गए कि नहीं, ये कांड चोरी का नहीं है, अगर ये चोरी का होता तो ये कैश यहाँ पर नहीं होता। तो पुलिस ने चोरी वाला जो ये थ्योरी थी अपनी, इसको तो रूल्ड आउट कर दिया। तो अब पुलिस को लगा कि जरूर ये जो क्राइम हुआ है ये पैशनेट क्राइम हो सकता है, मतलब कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर सिर्फ पैशन हो जान लेने का किसी की, वो व्यक्ति ये काम जरूर कर सकता है। लेकिन उसके पीछे भी मोटिव चाहिए कि उसने इसी परिवार को टारगेट क्यों किया, इससे उसकी क्या दुश्मनी थी। अब अगर मोटिव देखें तो वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन एक्चुअल में देखे तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा बहुत सारे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एंड्रियास ग्रूबर था वो अपने इस इलाके में राजनीति खेलता था, मतलब कि वो यहाँ पर अपनी नेतागिरी चला रहा था, लोगों से उम्मीद कर रहा था कि वो उसको चुनाव में जितवाएंगे। लेकिन लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो यहाँ पर कैथलिक जो नियम थे, जो सभी लोग यहाँ के मानते आ रहे थे, उन नियमों को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो पुलिस ने यहाँ पर लॉरेंस से भी पूछताछ करी और उसके पीछे भी यहाँ एक मोटिव था। जी हाँ, लॉरेंस जो था वो अपना खुद का ही रिश्ता लेकर पहुंचा था एंड्रियास के पास विक्टोरिया के लिए। जी हाँ, एंड्रियास की बेटी विक्टोरिया से यहाँ लॉरेंस शादी करना चाहता था, लेकिन एंड्रियास ने साफ मना कर दिया। तो हो सकता है यहाँ लॉरेंस को गुस्सा आ गया हो और उसने इस एंड्रियास के पूरे परिवार को ही निपटा दिया हो। लेकिन 4 दिनों तक क्या वो इस घर में रहेगा? और दूसरी बात, जब वो सर्विस मैन वाला आया था यहाँ पर रिपेयर करने के लिए उस मशीन की, वो जब लॉरेंस के घर गया था तो लॉरेंस ने ही दरवाज़ा खोला था। ऑब्वियसली वो वहाँ से उड़ के तो अपने घर आ नहीं सकता, मतलब कि यहाँ वो नहीं था, अपनी फैमिली को बिना बताए 4 दिनों तक वो इस ग्रूबर फैमिली वाले घर के अंदर कैसे रह सकता था। तो पुलिस ने जस्ट अपनी चार्जशीट में यही लिखा कि कोई व्यक्ति था यहाँ अननोन अज्ञात, जो कि इस घर के अंदर 6 महीने से रह रहा था और 6 महीने बाद उसने मौका देखकर एक अच्छा दिन तलाश करके यहाँ ये कांड बैठा दिया। और इस कांड को करने के बाद वो 4 दिनों तक और इस घर के अंदर रहा और जस्ट गायब हो गया। वो आज तक नहीं मिला, वो केस वहीं पर ठंडा पड़ चुका था। लेकिन सन 2007 में अगेन इस केस को खोला गया, लेकिन रीओपन करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सस्पेक्ट्स जो थे वो सेम वही थे। अब की बार भी जब रीओपन करने के बाद सारी टीम बैठी, जब अदालत में इसके बारे में बहस हुई, तो सभी सस्पेक्ट वही थे। इसीलिए किसी के ऊपर शक करना दोबारा सही नहीं समझा गया और यह केस वापस वहीं ठंडा पड़ गया। आज तक
ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर में हिंटरकाइफेक में रहने वाले ग्रूबर फैमिली के साथ क्या हुआ था, कौन था जो 6 महीने से उनको इस तरह से डरा रहा था, कौन था जो उनकी जिंदगी को हॉन्ट किए हुए था और बाद में उसने हंट ही कर लिया। आप बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है? क्या ये बिल्कुल एक प्रॉपर हॉन्टेड हाउस की स्टोरी नहीं लग रही आपको? मुझे तो प्रॉपर एक वही लगी चीज़, क्योंकि यहाँ पहले आवाज़ें आना और आवाज़ें चेक करने के लिए जाना लेकिन कोई ना मिलना, ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल सा लग रहा है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे यहाँ तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बताइएगा, और वहाँ पर मैं इसी प्रकार की छोटी छोटी स्टोरीज डालता हूँ रील्स में, तो मुझे आप वहाँ फॉलो जरूर कर लें क्योंकि आपको वहाँ भी ऐसी ही स्टोरीज देखने को मिलेंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपके हाथ से फॉलो जरूर हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विशु बाजवा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।